देश के सबसे पुराने नगर निगम शिमला का अगला सरदार कौन होगा, इसके लिए दावेदारों की सूची लंबी होती जा रही है। भाजपा शासित मौजूदा नगर निगम में कई कुर्सियों के तलबगार पार्षद जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अगले माह 20 दिसंबर को होने वाले चुनाव से पहले कई पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी की रेस में जहां कई भाजपा पार्षद स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, वहीं डिप्टी मेयर पद की रेस में अब कई पूर्व पार्षदों के साथ इंजन घर से भाजपा पार्षद आरती चौहान ने भी अपनी दावेदारी जताई है। भाजपा पार्षद आरती चौहान का कहना है कि पिछले 25 साल में पहली बार इंजन घर वार्ड पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। साथ ही पिछले 2.5 साल में उन्होंने वार्ड में कई विकास कार्यों को गति दी है। भाजपा पार्षद आरती चौहान का कहना है कि भले ही निगम में भाजपा शासन हो, लेकिन फिर भी पिछले 2.5 साल में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संगठन उन्हें डिप्टी मेयर के पद पर बिठाता है तो वह शहर के विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगी। गौरतलब है कि भाजपा समर्थित आरती चौहान वही पार्षद है जिन्होंने निगम की मासिक बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ कई बार मोर्चा खोला है। चाहे पानी की समस्या हो या फिर कूड़े और पार्किंग की समस्या, उन्होंने आवाज उठाई है। एक बार फिर उन्होंने अपने ही मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलकर डिप्टी मेयर के पद पर अपनी दावेदारी जताई है। जैसे जैसे दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही पार्टी को चयन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके समक्ष ये बताना चाहूंगी कि 18 दिसंबर को शहर को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा, तो मैं इंजन घर संजौली के लगते वार्ड इंजन घर से पार्षद हूँ। मेरा नाम आरती चौहान है और इस बार मैं अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ डिप्टी मेयर के लिए, क्योंकि मैंने इंजन घर वार्ड को 32 साल बाद वहाँ पे मैंने भगवा लहराया है। तो मैं और अपने ही सरकार में मैं 4 बार लोगों के हित के लिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, और जो मेरा मेन फोकस रहता है वो जनता पे रहता है। मैं पार्टी से प्रमुख अपनी जनता को भी मानती हूँ और मैं हमेशा जनता के हित के लिए लड़ती आई हूँ, और इसी को लेके मैं आला कमान से और अपने पार्टी के पास जाऊंगी और मैं ये मुद्दे उनके समक्ष रखूंगी और मैं अपना नाम डिप्टी मेयर के लिए उनके समक्ष रखूंगी। जो हमारे विधायक है श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनके पास मैं जल्द ही जाऊंगी और उनसे मुलाकात करूंगी और उनके समक्ष ये मैं बात रखूंगी कि मैंने 32 साल बाद भगवा लहराया है और हमेशा जनता के हित के लिए लड़ती आ रही हूँ और फ्यूचर में भी जनता के हित के लिए लड़ूंगी। तो मैं अपनी दावेदारी उनके पास और आला कमान जो भी पार्टी के है उनके समक्ष रखूंगी। बाकी जो पार्टी कहेगी मैं पार्टी के साथ ही जाऊंगी। देखिए, खुले तौर पे तो ये बताना मुश्किल होगा कि पार्षद कितने साथ है, ये डिपेंड है कि पार्टी किसको पोर्ट्रे करती है। पार्टी जिस कैंडिडेट को मेयर और डिप्टी मेयर के लिए पोर्ट्रे करेगी, हम सारे पार्षद एकजुट साथ है। शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।